नमस्कार मित्रों, जय सियाराम, सुप्रभात। मित्रों, पिछले वीडियो में मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों का फल बता चुका हूं। इस वीडियो में तुला राशि से लेकर मीन राशि वालों का फल बताऊंगा। तुला राशि वालों का दिन आज मिश्रित फलदायी रहेगा। कुछ क्षेत्रों में तो उन्हें सफलता तो कुछ क्षेत्रों में असफलता का सामना करना पड़ेगा। आज मन में थोड़ा असंतोष रहेगा। खर्चों की अधिकता भी आपका मन खिन्न कर सकती है। रोजी रोजगार, कारोबार, नौकरी आदि में उन्नति के योग है। मान सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आर्थिक क्षेत्र में लेन देन, निवेश आदि में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। सोच समझ कर निर्णय लें। घर परिवार में सुख शांति और खुशी का माहौल रहेगा। संभव है कि घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन्न हो। आज वाणी व व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण बनाकर चलें। बड़ बोलापन मुश्किल में डाल सकता है। किसी जरा सी बात का बतंगड़ भी बन सकता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आज आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत होगी। संबंधों में आज थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतें। दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगा। शुभता का प्रतिशत है 65। वृश्चिक राशि, आज आपके मन में शांति और प्रसन्नता की स्थिति रहेगी। आज आप कई क्षेत्रों में विचार करेंगे और आपकी सोच का दायरा विस्तृत रहेगा। धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी। संभव है आज किसी धार्मिक आयोजन में शामिल हो। कार्य क्षेत्र मजबूत रहेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। दिन भर आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे, परंतु अपने व्यवहार को संयमित रखें। आज कोई आर्थिक लाभ का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। मित्रों का बहुत सहयोग रहेगा। आज उनके सहयोग से आर्थिक दिशा में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे। संतान पक्ष की स्थिति सुखद रहेगी। घर परिवार में संयमित होकर चलें। विवाद टकराव आदि से बचें। दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से खुशहाल रहेगा। शुभता का प्रतिशत है 80। धनुराशि, आज का दिन भाग दौड़ और व्यस्तता से भरा रहेगा। संभव है आज आप किसी यात्रा पर निकलें, विशेषकर धार्मिक यात्रा पर। आज का दिन बहुत सोच समझ कर निर्णय लेने का भी है। खर्चों पर बहुत नियंत्रण रखें। निवेश के लिए दिन अच्छा है। दान धर्म में खर्चा संभावित है। आज आप भावुकता पर भी नियंत्रण रखें। भावुकता में बहने से धन हानि उठा जाएंगे। धार्मिक व सामाजिक गतिविधियां रहेंगी। कार्य क्षेत्र में कार्य की अधिकता से मन खिन्न हो सकता है। आज किसी आध्यात्मिक गुरु से मिल सकते हैं, इससे आगे की राह आपकी प्रशस्त होगी। आज का दिन आर्थिक लाभ का संकेत देता है। आय के स्रोत बढ़ेंगे। पुराने अटके हुए कार्य आज बन सकते हैं। आर्थिक लेन देन और आर्थिक जोखिम से बचने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कहा सुनी संभव है। धैर्य के साथ व्यवहार करें। जीवन साथी का सहयोग आपकी आर्थिक कठिनाइयों को दूर करेगा। मकर राशि, आज का दिन अच्छा गुजरेगा। भाग्य का सहयोग रहेगा। अपने स्वभाव में तो थोड़ा सा सकारात्मक रखें। नकारात्मक स्थिति व नकारात्मक लोगों से आज आपको बचने की जरूरत होगी। आज आपके सभी आर्थिक प्रयास सफल होंगे। आय में वृद्धि होगी। अनायास ही धन लाभ के योग हैं। आज धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेंगे। लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आपकी जान पहचान का दायरा बढ़ेगा। मित्रों का आज बहुत बड़ा सहयोग आपको मिल सकता है। रोजी रोजगार, नौकरी, व्यवसाय आदि में तरक्की के योग हैं। आर्थिक लाभ के लिए दिन आज का बहुत शानदार रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको सहकर्मियों का सहयोग और अधिकारियों की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। दाम्पत्य जीवन में भी कहा सुनी से बचे। शुभता का प्रतिशत है 80। कुंभ राशि, आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा गुजरेगा। किसी धार्मिक यात्रा के योग दिखते हैं। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता रहेगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन अपने क्रोध पर आज थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। बेवजह के टकराव व विवाद से बचने की भी जरूरत है। विरोधी आज आपके दबे रहेंगे, इसलिए आपको अपने कार्यों को संपादन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। घर परिवार के सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद भी संभावित है। थोड़ा सब्र और विवेक से काम लेने की जरूरत होगी। मित्रों के संग साथ में कहीं यात्रा हो सकती है। आज किसी नई योजना को भी क्रियान्वित कर सकते हैं। आज आर्थिक निवेश में थोड़ी सावधानी रखें। हड़बड़ी ना दिखाएं। थोड़ा समझदारी और बुद्धि विवेक का नजरिया रखें। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत तनाव संभव है। बुद्धि विवेक से काम लें। शुभता का प्रतिशत है 75। मीन राशि वालों का दिन आज मिला जुला रहेगा। कुछ क्षेत्रों में तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको निराशा का भी सामना करना पड़ सकता है। धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ेगी। किसी आध्यात्मिक गुरु से आज मिलना संभव है या किसी धार्मिक स्थल में भी आप जाएंगे, ऐसी आशा और संभावना है।
प्रॉपर्टी व वाहन की दिशा में चल रहे आपके प्रयास आज सफल हो सकते हैं, लेकिन आज आपके खर्चे बहुत बढ़े चढ़े रहेंगे। जरूरत है कि आप बहुत सोच विचार कर आज खर्च करें। मित्रों के सहयोग से आपकी कठिनाइयां दूर होंगी। आर्थिक निवेश व लेन देन में थोड़ी सावधानी रखने की आज जरूरत है। हड़बड़ी में निर्णय कोई ना करें। अपने क्रोध व व्यवहार पर भी आज आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा, तरक्की के योग हैं। दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से आज आपका ठीक ठाक रहेगा। शुभता का प्रतिशत है 70। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार। आपका दिन मंगल।